हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे गाइस कि हम अपने फ़ोन में डाटा सेवर को कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो हम पहले जाएंगे पहले सेटिंग पर। तो अपनी सेटिंग को जैसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप गाइस यहाँ जैसे जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे ऐप्स रखे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से अपने एक ऐप को जैसे कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। समय नीचे आते हैं, यहाँ जैसे जैसे यहाँ लिखे हमारे जैसे सेटिंग्स, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ जैसे में जैसे सेटिंग्स हैं, यह हमारी हो चुके ओपन, ठीक है। जैसे यहाँ जैसे जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे टॉपिक्स रखे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से अपने एक टॉपिक को जैसे कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं नीचे यहाँ लिखा जैसे नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ जिसमें जैसे नेटवर्क एक्सेस इंटरनेट है, यह हमारे वॉच का अपना, जैसे हमें नीचे आते हैं यहाँ लिख सकते हैं डाटा सेवर, ठीक है, सब ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ जिसमें डाटा सेवर है, यह हमारा वॉच का अपना, जैसे यहाँ लिखा डाटा सेवर, ठीक है, सब ऑफ कर देते हैं। जैसे हम अपने डाटा सेवर को हम ऑफ कर देंगे तो इससे ये होगा गाइस, जैसे आपका जैसे मोबाइल का डाटा है, ठीक है। अगर जैसे आप डाटा सेवर को अगर आप ऑफ कर दोगे तो इससे होगा जैसे आपका जैसे जो डाटा मोबाइल डाटा है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा, इससे ये होगा, ठीक है। अगर आप डाटा सेवर को अगर आप कर दोगे ऑफ कर दोगे तो हम डाटा सेवर को हम कर देते हैं ऑफ। तो आप गाइस यहाँ जिसमें जैसे डाटा सेवर है, यह हमारा हो चुका है ऑफ, ठीक है। और हमारी वीडियो यही तो थी समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।